हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का पेपर है जो कि सुबह आप लोग मॉर्निंग में देने के लिए जाएंगे। और अक्सर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और मोबाइल जमा करने के से पहले, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन के पहले ज़रूर आपको सुन के जाना चाहिए। इन पॉइंट्स में से आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसको आप देखिएगा जिन जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, तो इन पॉइंट्स को केवल सुनना है, ठीक है। इसमें आपको मैं बताते जाऊंगा। जैसे पहला पॉइंट है कि साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल जो है फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉलिड या ठोस पदार्थों के सूक्ष्मकणों को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल इन ए कॉमन डिवाइस फॉर द मेजरमेंट। थर्मोकपल का जो सामान्य तरीका होता है वो इससे हम लोग क्या नापते हैं थर्मोकपल के द्वारा, तो ये तापक्रम को या टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हीट में हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स में किस तरह होता है, मतलब ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि कौन सी इस्तेमाल होती है, तो उसको कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बंद तंत्र में एक चक्र में कार्य कितना होता है, तो शून्य होता है। इसको आप याद रखिएगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है, कार्य शून्य होता है। और जो साइक्लिक प्रोसेस है उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वर्क डन का मान क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है। इसको रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खाद्यान्न की नमी ज्ञात करने का ये कौन सा तरीका अप्रत्यक्ष नहीं है, विच इज़ नॉट द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड ग्रेन। तो ये आपका इसका आंसर होगा एयर ओवन मेथड, ठीक है। ओवन में ज्ञात करने का मेथड आपका क्या है, ये डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं कि धान की उचित आर्द्रता कटाई के समय कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, ये 20-22% होता है, ठीक है। धान की जो मिलिंग के पहले पारबॉइलिंग करी जाती है वो किस लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मेन क्या होता है कि हम धान की पारबॉइलिंग उसकी शेल लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं, या धान के चारों तरफ का जो खोल है उसकी जीवन काल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि बहुत दिनों तक धान को रखा जा सके। अगला पॉइंट है कि LSU ड्रायर जो होता है, इसको लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर कहते हैं, ये किस जगह डेवलप किया गया था। इसे USA में बनाया गया था, क्योंकि जो लुसियाना नाम की जगह है वो USA में मौजूद है। अगला जो पॉइंट आपका है जो आपको जानने योग्य है कि कुटाई करते समय या मिलिंग करते समय धान का आर्द्रता प्रतिशत कितना होना चाहिए, या धान का कितना परसेंट मॉइस्चर होनी चाहिए जब धान की मिलिंग कर रही हो। तो मिलिंग के समय 13-14% आपका स्टोरेज सॉरी मिलिंग के समय 13-14% आपका मॉइस्चर होना चाहिए धान के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि दाल की शुष्क मिलिंग विधि में तेल संसाधन से पूर्व की कौन सी प्रक्रिया है। ड्राई मिलिंग पल्सेस में जब पल्सेस की ड्राई मिलिंग करते हैं तो प्री ट्रीटमेंट विद द ऑयल के पहले कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, उसको पिटिंग बोलते हैं, PITTING, उसे क्या बोलते हैं, पिटिंग प्रोसीजर बोला जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि HTST पाश्चराइजर में मिल्क या दूध को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है। HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इस पाश्चराइजर में मिल्क या दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रेफ्रिजरेशन में समानता प्रयोग में आने वाली इकाई किसके समतुल्य है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, इसको बोलते हैं